इधर आओ आओ और पास आओ। ये दिन में क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, रात को आता हूँ तो कहती हो रात का समय है, दिन में आता हूँ तो कहती हो दिन में क्यों है, बताओ कब आऊँ? क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ कि इसकी पीठ पर एक छिपकली थी, मैं निकाल रहा था। तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मैं भी औरत हूँ। ये भी ठीक है। कौशल्या आंटी, मुझे बूस्ट चाहिए। अभी तो खाना खाया ना, अभी बूस मांग रही है। अरे बूस नहीं आंटी, बूस चाहिए। हाँ, बहुत बातें करती है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। क्यों रे, तेरा बाप तुझे बूस पिलाता था? चाची को बता दूंगी। सन्मुखी चाची बहुत बड़ी तोप है क्या? चल जा बता उसे। है? तुम हंस रही हो या रो रही हो? मैं रो रही हूँ। ठीक है। अरे कुड़िया रानी क्यों रो रही, क्या हुआ तुम्हें? कौशल्या आंटी ने मेरा गाल नोचा। अरे बाप रे, इसका गाल तो पूरा लाल हो गया। जाने की ये कैसा अन्याय है, उसे पूछो ना। पहले तो इससे ही पूछिए चाची, ये भी कुछ कम नहीं है। मैंने इसके पिताजी का फोटो फाड़ा ना, इसलिए मुझ पर गुस्सा है। अब अपना गुस्सा मुझे तो दिखा नहीं सकती, इसीलिए कौशल्या को परेशान कर रही होगी। उसने हल्के से गाल पे मारा होगा और ये नाटक करने लगी। अपने बाप की बेटी है ना, नाटक तो करेगी। उसने गाल नोचा। जो भी हो, झूठ बोलने में बिल्कुल अपने बाप पर गई है ये। क्या आप क्या कह रही थी? अगर मैं ना कहूँ तो मेरी बात सच हो जाएगी ना। क्या कह रही है? नहीं वो बात मेरा दिमाग मत खाइए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कहीं दिया बुझ ना जाए, अगर बुझ गया तो पिताजी चिल्लाएंगे। बाप रे, गाल कितना लाल हो गया। सेठू अंकल ने उनका गाल नोचा। दोनों ने गाल नोचा? सेठू अंकल ने कौशल आंटी का गाल नोचा और कौशल आंटी ने मेरा। मैंने नाइट शो देखा था, मैटने भी शुरू हो गया। कौशल आंटी चोरी करती है। क्या चोरी करती है? चांदी का ग्लास, जग, मंदिर का दिया, काजू बादाम। तुम सच कह रही हो? मदर प्रॉमिस, सॉरी फादर प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना, मैं देख लूंगा, उसे दिखाता हूँ मैं। वो जो प्रॉन्स थे ना, उन्हें हमने भेज दिया है। 50,000 जूते का कंसाइनमेंट इटली भेजने के लिए हमने उनसे वादा किया था। वेरी गुड। लेकिन हम भेज नहीं पाएंगे। क्यों? पैर में जूते पहनने के लिए जानवरों की हत्या करना पाप है। नॉर्थ इंडिया में सब लोग इसके खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं। क्या बात, वो भी एक पैर में रबर चप्पल पहनकर। इधर आओ, टीवी ऑन करके आती हूँ ना चाची। नाश्ते के बाद टीवी ऑन करना गुड़िया। भारती तुम्हें शौक लग सकता है, चलो आकर नाश्ता करो। आओ कौशल्या, टीवी ऑन करो जरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, गरम करो। इसीलिए डाल रहा था। हाय, नमस्ते, मैं भारतीय ब्रेकिंग न्यूज के साथ आई हूँ। हमारी स्पेशल करेस्पोंडेंट अवैशा मुखी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे लिए कुछ अजीब और गरीब खुलासे किए हैं। हमारी बोट क्लब रोड शनमुगप्रिया में पिछले कई दिनों से बहुत सारी चोरियां हो रही हैं और इनका लाइव वीडियो हमारी शनमुखी चाची ने बनाया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज सच्चाई पर से पर्दाफाश हो गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, शनमुखी चाची। ए, तेरा ध्यान किधर है? वो मैं नहीं हूँ, कोई मेरी हमशक्ल है। ये जरूर इस चाची की चाल है साहब। नहीं नहीं, अभी आपने जो देखा वो सिर्फ सैंपल था, पूरा लिया तो वीडियो लाइब्रेरी भर जाएगी। What nonsense is this? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। कौशी। क्या कौशी? कौशी कौशल्या, गरीब समझकर हमने तुम्हें काम दिया और तुम यही चोरी कर रही थी। तुम भी? क्या तुम भी? अगर हम घर वाले नहीं पूछेंगे तो क्या बाहर के लोग आकर पूछेंगे? अरे ये तो बैंडिट क्वीन लगती है। एक्सक्यूज मी। कौन? सेतू सर। हाँ बोलिए। मैं और भी वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन अन वक्त पर बैटरी ने धोखा दे दिया, नहीं तो रात को। ए, रात को किस लिए? जो आपने निकाला है वो बहुत अच्छा है, आज तो इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। ए, तुम निकलो यहाँ से। तो उस रात टॉमी को आपने क्यों बांधा था? तो तुम रात में टॉमी को भी चुराना चाहती थी? भैया लगता है ये तो बहुत बड़ी चोरनी है, मैं ना तुम्हारी जैसी को। अरे रुको रुको, मारो मत। देखो ये कितने दयालु हैं, तुम समझोगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अरे निकलो। बात तो क्या सुनिए। हुआ? प्लेट। प्लेट की क्या जरूरत, आपने चोर पकड़वाया है, हाथों से ताली बजाइए। नहीं, आपकी कांख में प्लेट है। ये सॉरी, थैंक यू, मैं इसका हिसाब करके आता हूँ भैया। अरे तुम देख क्या रही हो, चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऐसा काम इस घर में किया? चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ, अभी जाओ। बहुत बहुत थैंक्स शनमुखी, इतने सालों से इस घर में चोरी हो रही थी और ये बात जानकर मुझे पता ही नहीं थी, तुमने एक हफ्ते में पता लगा लिया, पर कैसे? बहुत सिंपल है, अगर आप सबको हमेशा एक ही जैसा देखेंगे तो कौन अच्छा और कौन बुरा है कभी पता नहीं चलेगा। सबको अलग नजरिए से देखना चाहिए, पूजा भी आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझ पर भरोसा करो कौशी, अब चलो जाओ यहाँ से, अब दोबारा नजर नहीं आना, समझ गई? अगर आई तो नहीं छोड़ूंगा, हाथ पर काट डालूंगा। मैंने उसे भगा दिया, आजकल कौन अच्छा है और कौन बुरा है पता ही नहीं चलता, बहुत बदतमीज थी वो। आश्चर्य की बात है, मैं भी अभी यही कह रही थी। हाँ ठीक है भैया,
जल्द ही एक अच्छा खाना बनाने वाले को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। फिर से खाना बनाने वाली ही क्यों? बनाने वाला क्यों नहीं? मैं इसलिए कह रही थी। नहीं, आप कुछ मत बोलिए। बस दो दिनों में ही मैं खाना बनाने वाले को लेकर आऊंगा। तब तक खाएंगे क्या? क्यों पिताजी, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ क्या? 5 साल तक उस घर में खाना बनाया है मैंने। हाँ, तुमने 5 साल तक जिसके लिए खाना बनाया वो नॉन वेज खाता था। षणमुखी, तुम इसके साथ मिलके खाना पकाओ, हाँ, ताकि इसके खाने में नॉन वेज की बदबू ना आए। क्या हुआ तुम्हें? जब देखो खीखी करके हंसती रहती हो बस। हर चीज के लिए खीखी मत हंसो। क्या सब्जी लेनी? तुम्हारे पिताजी को क्या पसंद है? मूली सांबर और बैंगन फ्राई खिलाएंगी तो पूरी जायदाद आपके नाम कर देंगे। देखो तुमने बैंगन का नाम लिया और बैंगन इधर है। क्या भाव दिए बैंगन? 20 रुपया पाओ चाची। बैंगन खरीदने के लिए जायदाद बेचनी पड़ेगी। तो और क्या करो चाची, आजकल हर चीज महंगी हो गई है। मूली कहाँ पर मिलेगी? वो देखिए, जाकर उस दुकान में पूछिए। सुनो जानकी, तुम यहाँ से जो चाहिए ले लो, मैं वहाँ से मूली लेकर आती हूँ। ये बैंगन 2 किलो दे दीजिए। ओहो, सड़े हुए बैंगन क्यों डाल रही है? अच्छे वाले डालिए ना। खुद देख लीजिए, 2 किलो दे दूँ ना। मौसी, 2 किलो बैंगन देना मुझे। ये क्या मैनर्स नहीं है क्या? एक औरत से टकराते हो? सुना मौसी, बिना मैनर्स के टकराया? ठीक है, मैनर्स से टकराता हूँ। हाय मैडम, हाउ आर यू? क्या हुआ मैडम, आलू चाहिए क्या? ये लो। अच्छा बैंगन चाहिए, ये लो। और कुछ? क्या चाची, बीच में ना आओ तुम। तुम इसका हाथ छोड़ो। अच्छा, नहीं छोड़ूंगा तो? हाथ छोड़ो, हाथ हटाओ। अरे बोला ना नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगी तू? जरा ये पकड़ो। चाची जाकर कार में बैठो और घर जाओ। चाची पर आप कैसे आएंगी? ये तो ये अपने दोस्तों को ही बुला रही है। बोलो ना तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, अगर कुछ हो गया तो। कर लो राजा, जल्दी आ रहे। चाची मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मूली लाना भूलिएगा मत, ठीक है? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ चाची। संभल के चाची, रुक ना, बच्ची को जाने दे, उसके जाते ही मैं हाथ छोड़ दूँ। तुम जाओ। हाँ जा रही हूँ। टपोरी है, यहाँ का गुंडा है, तेरी माँ मिलेगी तो उससे पूछूंगी कि तुझे ऐसा क्यों मनाया। पूछूंगी कि इसको औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। एक अकेली औरत को देखा तो तू कुछ भी करेगा। मैं भी एक औरत हूँ, हिम्मत तो छू कर दिखा ना मुझे। सुना क्या बोल रही है ये? औरत हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, चुपचाप निकल लो यहाँ से। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? चल जाओ जाओ। ए क्यों खड़ी है? चल जाओ यहाँ से। ए बुढ़िया, ऐसे क्यों घूर रही है तो मुझे? चल जा। अबे कहाँ थे तुम लोग? उस बुढ़िया ने मेरी पूरी पैंट ही खराब कर दिया। तो उसके कपड़े खराब कर दूं क्या? अरे वैसा कुछ नहीं करना, बस जाके उससे थोड़ा बात करो। अरे नहीं, मुंह से बात मत करो, हाथों से बात करो। अगला कौन है? सिर्फ 4 लोग हैं, 5 होते तो अच्छा होता और मजा आता, लेकिन एक कम है। थैंक यू। वाह, अच्छा चाची, मारो उसे। अरे नहीं मौसी, मैं आपकी पार्टी से हूँ, हाथ मिलाइए। आप बहुत अच्छा फाइट करती हैं, औरत नहीं लगती हैं। वो आ रहा है। नहीं मुझे बस आ रही है, मुझे मम्मी बुला रही है। हीरो बनने आया था, मार खा के छोटा बच्चा बन गया। ए!
ये क्या है? दिखता नहीं क्या? चाकू है। किस लिए? तेरे टुकड़े करने के लिए। तो मानना, सिर्फ दिखाने से क्या होगा? चल निकल ले। अभी देखना चाहते हो? चाची, चाची सुपर। चाची नहीं, चाची जाने दो, गलती हो गई। और चाची, चाची चाची चाची, बहुत दर्द हो रहा है भैया। पहली बार किसी आदमी को एक औरत के हाथ से मार खाकर ऐसे बुरी तरह चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। चुप रहिए, आपने इसका बदला भी नहीं लिया। अरे मेरा मतलब था, ऐसे आदमियों को भेज कर उसे मारना ठीक नहीं होगा, उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करने होंगे। कौशी तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिमाग लगाकर उस औरत को किसी न किसी तरह टपका ही दूंगा।